सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों विंडोज 11 में जो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अगर आपके पास काम नहीं कर रहा है, ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, ओपन नहीं हो रहा है या फिर स्लो ओपन हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करने के बाद आपको जो है फिर से आपको जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है रिट्राई करना है। जैसे कि आपको जो भी ऐप डाउनलोड कर रहे थे तो आप जो है उसको स्टॉप कीजिए, स्टॉप कर जो है फिर से उसको जो है इंस्टॉल करिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो है विंडोज 11 की सेटिंग में जाना है। विंडोज की प्रेस करते हुए आपको आई प्रेस कर देना है, शॉर्टकट की से सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टोरेज का जो ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आपकी स्टोरेज जो है शो हो जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास जो है स्टोरेज शो हो रही है 73.9 GB यहाँ पर फ्री है। अभी अगर आपके पास यहाँ पर स्टोरेज फ्री नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पर टेम्पररी फाइल्स में आकर जो है यहाँ पर आपको जो भी नहीं चाहिए तो आप जो है उसको यहाँ पर बॉक्स में चेक कर यहाँ पर जो है रिमूव फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, तो आपके पास स्टोरेज जो है फ्री हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बैक आते हैं। बैक आने के बाद आपको जो है सेटिंग में, उसके बाद आपको यहाँ पर सिस्टम के ऊपर क्लिक कर स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपको जो यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अदर ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज स्टोर ऐप, तो यहाँ पर रन का ऑप्शन है, आप जो है इसको रन कीजिए। यहाँ पर रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर आप ये प्रोसेस कम्प्लीट होने तक आप जो है थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इसको जो है कैंसिल कर लेता हूँ। फिर दोस्तों आपको जो यहाँ पर सेटिंग क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको रन कमांड ओपन करना है। विंडोज की प्रेस करते हुए आप आर प्रेस कीजिए, रन कमांड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से जो है टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, ये विंडो जो है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ये जो है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, तो आपको वेट करना है थोड़ा। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास जो है यहां पर ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है ओपन हो गया है, तो मैं इसको यहां से क्लोज कर लेता हूं। उसके बाद आपको विंडोज 11 की सेटिंग में जाना है। विंडोज की प्रेस करते हुए आपको आई प्रेस कर देना है, सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर ऐप्स एंड फीचर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, तो यहाँ पर मैं सर्च में टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यहां पर शो हो गया है, तो आपको यहां पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। फिर दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो रिपेयर का जो ऑप्शन है, यहां पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है यहां पर रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर रिपेयर होने के बाद आपको जो यहां पर रीसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर रीसेट के ऊपर क्लिक कर फिर से रीसेट के ऊपर क्लिक कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है रीसेट हो जाएगा। ओके, तो इसको अब जो है यहाँ पर से क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर जो है आपका अकाउंट जो है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपको साइन आउट करना है। साइन आउट कर आपको फिर से साइन इन करना है। उसके बाद आपको फिर से विंडोज 11 की सेटिंग में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर विंडोज अपडेट के ऊपर क्लिक कर आपको जो यहाँ पर चेक करना है आपका विंडोज अप टू डेट है या नहीं। अगर आपका विंडोज अप टू डेट नहीं है तो आप जो है यहाँ पर विंडोज को अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे भी ना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।